इस प्रकार से हमारा 6 कली वाला डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक मोटा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है, मजबूत डोरमेट। 3 येलो कलर की कली बन जाती है और 3 पिंक कलर की कली बन जाते हैं। इस प्रकार से 6 कली का डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। इस डोरमेट में बनाने में खास बात यह ध्यान रखनी पड़ती है कि जो कली बनती है इसके पहले फंदे में एक फंदे में 2 फंदा निकालना पड़ता है और बीच वाले फंदों में एक फंदे में एक ही फंदा निकालना पड़े और लास्ट वाले फंदे में एक फंदे में 2 फंदा निकालना पड़ता है। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं उतना बड़ा डोरमेट हम बना सकते हैं। आज हम सपोर्ट में एक साड़ी लेंगे जिसकी चौड़ाई लगभग 10-12 इंच की चौड़ाई लेते हैं साड़ी की, और इस पट्टी की चौड़ाई येलो कलर की पट्टी की चौड़ाई लगभग 3 इंच की चौड़ी पट्टी देते हैं। सभी पट्टियां साड़ी की ली गई है। रेड कलर की पट्टी पर और दोनों पट्टियों को सुई धागे की सहायता से सिलाई करके अटैच कर देते हैं। रेड कलर की पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे और येलो कलर की पट्टी द्वारा इस पट्टी पर 5 नोट लगाएंगे। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए बीच में वो 5 नोट लगा चुके हैं। एक पिंक कलर की पट्टी लेते हैं, इसकी चौड़ाई भी 3 इंच ली गई है। ये भी एक साड़ी की पट्टी ली गई है। इस पट्टी को सपोर्ट वाली पट्टी पर सुई धागे की सहायता से अटैच कर देते हैं सिलाई करते हुए। इस प्रकार से सुई धागे की सहायता से सिलाई करके अटैच कर देते हैं। अब रस्सी को गोलाई देते हैं रस्सी को इस प्रकार से रिंग बना लेते हैं। पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। अब पट्टी को चेंज कर लेते हैं। एक फंदे में 2 फंदे निकालकर दूसरे फंदे में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। पिंक कलर पट्टी को सपोर्ट वाली पट्टी के नीचे की ओर नीचे से निकालते हैं, नीचे की ओर लेते हैं।
और पिंक वाली पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे। अब नेक्स्ट फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अगले फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। पट्टी को चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा एक राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब हमारा दूसरा राउंड शुरू होएगा। दूसरे राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। येलो कलर की पट्टी पर येलो कलर की पट्टी का ही फंदा निकालेंगे। पहले फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे।
अगले फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। इस प्रकार से येलो कलर की कली पर येलो कलर की पट्टी का फंदा निकल चुकी है। अब पट्टी को चेंज कर लेते हैं। पहले फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से दूसरा राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। किसी प्रकार का डोरमेट में कोई झोल नहीं है। एक मोटा डोरमेट बनकर तैयार होता है। मोटा अब हमारा तीसरा राउंड शुरू हो रहा है और तीसरे राउंड में पहले फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। दूसरे फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। और अगले फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। और लास्ट वाले फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। कहने का मतलब पहले वाले फंदे में लूप, ये लूप है, लूप के पहले वाले फंदे में एक दो फंदा निकालेंगे और बीच वाले फंदों में एक फंदे में एक फंदा निकालेंगे और लास्ट वाले कोने पर एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से हमारा तीसरा राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा तीसरा राउंड पूरा कर लेते हैं। अब हमारा चौथा राउंड शुरू हो रहा है।
हमारे जो है इसमें छह कली बन चुकी है, एक कली, दो, तीन, चार, पांच, छह कली बन चुकी है। तीन येलो कलर की कली और तीन पिंक कलर की पट्टी के द्वारा कली बनती है। पूरे राउंड में कली जो कली है बनी हुई है, इसके पहले फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे और बीच वाले फंदों में एक फंदे में एक फंदा निकालेंगे और लास्ट वाले में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। इस नियम के अनुसार ये डोरमेट जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना सकते हैं। इस नियम के अनुसार कोने कली के कोने में इस कोने में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे और इसमें इस कोने में लास्ट में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे और बीच वाले फंदों में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। बीस वाले फंदों में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अब लास्ट वाले फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। अब अगले कली में पट्टी को चेंज कर लेते हैं और फर्स्ट वाले फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे और बीस वाले में एक फंदे में एक फंदा निकालेंगे और लास्ट वाले फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट बना सकते हैं उतना बड़ा डोरमेट बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारा छह कली वाला डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक मोटा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है, मजबूत डोरमेट। तीन येलो कलर की कली बन जाती है और तीन पिंक कलर की कली बन जाते हैं। इस प्रकार से छह कली का डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। इस डोरमेट में बनाने में खास बात यह ध्यान रखनी पड़ती है कि जो कली बनती है इसके पहले फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालना पड़ता है और बीच वाले फंदों में एक फंदे में एक ही फंदा निकालना पड़ता है और लास्ट वाले फंदे में एक फंदे में दो फंदा निकालना पड़ता है। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं उतना बड़ा डोरमेट हम बना सकते हैं।